बरसों से तेल खोज में लगी केएन वेदांता ने न केवल सरहदी बाड़मेर के हजारों वाशिंदों को जिंदगी का नया मुकाम दिया है, साथ ही बाड़मेर को छोटे कस्बे से बाहर निकालकर बड़े शहरों में शुमार कर दिया है। आज बाड़मेर बड़े शहरों सरीखी प्रगति और विकास को अपनी धरा पर देख रहा है। पेश है खास खबर बढ़ते बाड़मेर की कहानी। पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि पर बरसों से तेल खोज और उत्खनन में लगी केएन वेदांता जहां अपने उत्पादन और खोज से यहां के लोगों की सुनहरी किस्मत को लिख रही है, वहीं बरसों से ही कंपनी विभिन्न आधारों के जरिए सामाजिक सरोकार से लोगों के जीवन को नए बदलाव के बयार से रूबरू करवा रहा है। अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के जरिए केएन वेदांता लोगों को नवीन तकनीकों से जोड़ते हुए जीवन स्तर को सुधार के कार्य में लगी हुई है। इतना ही नहीं, आम जीवन के साथ साथ धरा पर आपदा के हालातों में केएन वेदांता लोगों के साथ कांधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप से बचाव के उपाय लोक कलाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए BNKVS ग्रुप ऑफ आर्ट थिएटर सोसाइटी के कलाकारों ने बाड़मेर जिले के 50 से अधिक गांवों में केएन और वेदांता के सौजन्य से बदलता बाड़मेरी कहानी ऊर्जा देवी री जुबानी प्रस्तुत कर बदलाव के साथ चेतना का संदेश दे रही है। मरुधरा के बाड़मेर के अलग अलग गांवों में यह जागरूकता रथ लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को जागरूकता और जन चेतना के नए संदेश से मुखातिब करवा रहा है। पूरे रस्ते में एक ही ऊंट गाड़ो के बड़क गाड़ो नहीं दिखियो, जरकिन गाड़ी में बैठता। वाह भोपो जी वाह, इन जमाना में थे ऊंट गाड़ा ने बड़क गाड़ा जो, अरे वे बाता लारे रहेगी, जमानो धक्के बद गयो है। मने तो मारो वो पुरानो जमानो और पुरानी बाता ही जहाज आवे, उन जमाने री होड़ ओ थारो लपड़ झपड़ जमानो नहीं कर सके। हाँ हाँ, रेवण दो, टाइम बदल गयो, जमानो बदल गयो, दुनिया बदल गई, पर थे वेड़ा रा वेड़ा रिया। हाँ हाँ, मैं तो पुरानो ही चोको, तू बन जा नवा जमाने री मेम सा, खावे सुगरा सुबह शाम बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। मने बुड्ढी केवल पहली खुद ने तो देखो, मिनखरी सोच ने उनरा विचार बुटा होवे, अरे थे तो हाल तक उन जमाना में भटका मारो हो जिको कदरो बीत गयो। बाबा हमें मारो मात मत खा, खावण ने कचरो इस थोड़ी है। आप सबका स्वागत है, स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरियोड़ा है, बोबो जी तड़के में रूबे हैं, विचार करें कि आज हर बॉल बते छक्का बाउंड्री में पार करवा देंगे गेंद। अतिना भोपी जी भी कम नहीं है, बॉल लेन तैयार रूबे हैं, देखना ये है कि बोपो जी क्लीन बोल्ड होते हैं या रन बनाते हैं। लागे के ऊर्जा देवी आई है। राम राम ऊर्जा देवी। राम राम ऊर्जा देवी। राम राम सा राम राम, आप सभा ने भी राम राम। कई बात है बोपी जी, आज अटके को रूबा हो। बोपो जी न बोपी जी एक बात मत अट गया है। गड़े दिले
आगड़ो गढ़ बिकानो देश भलो चुना भाटिया हमारे जश्न में हादसा वो कोरोना बारे में कठपुतली रो पुरवा कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मरु संवाद 2.0 के प्रदर्शन के दौरान केएन और वेदांता के माध्यम से बाड़मेर के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सरोकार, बाड़मेर उन्नति प्रोजेक्ट, डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जीवन अमृत प्रोजेक्ट, मेडिकल हेल्थ व अवेयरनेस, मेडिकल कैंप, मोबाइल हेल्थ वैन, कैटल मोबाइल हेल्थ वैन, रोड सेफ्टी, नंदघर, कैन इंटरप्राइजेस, कैन वाड़ी प्रोजेक्ट, जीवन अमृत व सुरक्षा के उपायों के माध्यम से किए गए कार्यों से आए सामाजिक बदलाव को मंचित किया जा रहा है। कैन और इनके आने के बाद में सबसे बड़ा फर्क पड़ा है यहाँ के। एक तो जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैन और वेदांता ने एक तो मतलब जैसे सोशल एक्टिविटीज़ है, अभी जैसे पिछला कोरोना गया उसके अंदर इन्होंने डोम हॉस्पिटल हाई स्कूल के अंदर बना के दिया, उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फैसिलिटी मिली, काफ़ी सपोर्ट मिला। इसके बाद में ये कुछ पार्क्स है वगैरह ये भी खुद बोध ले रहे हैं और उनको भी डेवलप कर रहे हैं। इनके बाद में दूसरा सबसे बड़ा इनका जो इफेक्ट रहा है वो पड़ा है इस मार्केट के ऊपर। मतलब यहाँ पे पहले आज केएन वेदांता के आने के बाद में यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह और अच्छी खासी शॉप्स, ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह वो सारे आ गए हैं। पहले लोगों को यहाँ से ख़रीदी करने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता था, जयपुर दिल्ली देखते थे, अब वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हो गई। और सबसे मेन बूम पड़ा है मार्केट के ऊपर। मार्केट जो केएन और वेदांता के कर्मचारी वगैरह ये रहने के लिए जितने भी आ रहे हैं तो उनका एक तो जो उनको रहने के लिए जो आवासीय चाहिए थे, एक होटलों के अंदर बूम आ गया। इनकी वजह से ही होटलों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ और बहुत सारी होटलें वगैरह यहाँ बाड़मेर में बनी हैं। उसके बाद में जो नॉर्मली रहने के एरिया वगैरह थे उनमें जो रेंट का सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा प्रचलन हो गया। लोग पूरे मकान सिर्फ एक ही पर्पज़ से किराए पे देना है इसको, इस पर्पज़ से उनकी वो एक आजीविका स्टार्ट हो गई। और बाकी दूसरा मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ा है। आज जहाँ एक पहले मार्केट था सीमित हो गया था, सिनंदरी चौराया, चौटन चौराया, स्टेशन रोड, इलोजी बाजार तक, अब वही मार्केट मतलब सिनंदरी चौराहे से आप 2-3 किलोमीटर आगे तक चले जाएंगे, चौटन चौराहे से आगे चले जाएंगे, उत्तरलाई रोड पे चले जाएंगे, चाहे जैसलमेर हाईवे पे चले जाएंगे, ये सारा डेवलपमेंट और ये जो इतना हुआ ये सारे इन दोनों कंपनियों की वजह से ही। जब से ये ऑयल कंपनियां कैन और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों ने बाड़मेर में प्रवेश किया है, बाड़मेर का एक तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, दूसरा बाड़मेर के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो छोटी सी चीज़ के लिए लोगों को बाड़मेर से जोधपुर जाना पड़ता था, लेकिन बाहर के लोगों का यहाँ आने से, उन लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होने से यहाँ वाले दुकानदार या यहाँ वाले जो नए नए मॉल बने हैं वो सामग्री सारी यहाँ पे रखते हैं ताकि यहाँ की पब्लिक को भी बाहर जाना नहीं पड़े। उसके अलावा केएन और वेदांता के जितने लोग बाहर से आए हैं उनका रहना करना, तो बाड़मेर के अंदर जो व्यावसायिक भूखंड है या फिर जो रहवासी भूखंड है उनका किराया, उनकी वैल्यू, और केएन और वेदांता आने के कारण बाड़मेर के अंदर चाहे सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं इनको भी ये लोग सुना है कि थोड़ा बहुत फंडिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी सुधार जो है वो देखने को मिला है। रोजगार कितना बढ़ गया? रोजगार तो पब्लिक यहाँ की जो बाड़मेर के लोग हैं जिनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था वो रोजगार उनको यहाँ बाड़मेर में मिलता है और वो सुबह जाके शाम तक अपने वापस घर आ सकते हैं। और रोजगार तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कारण ये कि ऑयल और गैस एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी समाप्त नहीं होगी और इसके अंदर निरंतर रोजगार के जो है वो चलते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कस्बे से निकालकर बाड़मेर को बड़ा शहर बनाने के पीछे अहम योगदान रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बाड़मेर तो पहले ही बाड़मेर था, जन नेता हमारे जैसे पहले थे आज भी वही के वही है, लेकिन कंपनी के लोगों के आने से हमारे साथ बैठने वाले कुछ हमारे मित्रगण जो थे उन्होंने भी अपना बहुत बढ़िया यहाँ मुकाम बना दिया है और आज बाड़मेर का नाम
अगर कहीं जाते हैं तो उनको एक ही चीज, वो एक ही शब्द कहते हैं कि आप वहां से हो जहां तेल और गैस निकलते हैं। कंपनी ने लोगों के बीच जाकर राजस्थान की पारंपरिक नाटक शैली में साथ साथ नवाचार कर यह संदेश मुखर किया जा रहा है। नाटक के पात्र भोपा भोपी के संवाद और ऊर्जा देवी के किरदारों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा उपस्थित ग्रामीणों ने दिल खोलकर करते नजर आ रहे हैं। नाटक में ही उठाई गई ज्वलंत समस्याओं पर आधारित सवाल पूछकर सही जवाब देने वाले महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों को पारितोषित शॉल तथा उपहार के माध्यम से अभिनंदन कर पुरस्कृत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आयोजन में मौजूद सभी लोगों को एक तरफ जहां हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, वहीं मास्क का भी वितरण किया जाता है। नाटक के किरदार अपने काम के बारे में बखूबी बताते नजर आते हैं। सर, मरुसमा 2.0 हम दूसरे फेस में, इससे पहले हमने पहला फेस में कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने करीब 50 शो किए थे। उसमें हमने हाथी डिजिटल भोपा भोपी के नाम से प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके तहत हम जो आसपास बदलाव हो रहे हैं उसके उसकी हम लोग जानकारी दे रहे थे। और इस बार 2.0 है जो मरु संवाद, इसमें हम लोग जो जो योजनाएं केन और वेदांता की चल रही है उनको हम बता रहे हैं कि आपके आसपास में ये बदलाव हो रहा है, आप इन इन बदलावों से जुड़ चुके हो, ये बदलाव और हो रहे हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो। जैसे कि डेयरी का है, उन्नत कृषि का है, नंदगर का है, और जो अमृत जल प्रोजेक्ट है, मोबाइल हेल्थ वैन यहाँ आती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। पब्लिक का रेस्पॉन्स सर, पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, और अब ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमें ज़्यादातर लोग यहाँ भोपा भोपी के नाम से ही जानते हैं, और जिस गांव में हम जाते हैं कि हमें यहाँ प्रोग्राम करना है वहाँ हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। लोग कहते हैं आइए, अब इस बार आप इस गाँव में नहीं हमारे गाँव में कीजिए, अब बताइए हमारे गाँव में कब आ रहे हैं। तो इस तरह से और लोगों की बहुत सर आशीर्वाद, वचन भी हमारे साथ है, आशीर्वाद भी साथ है, और बहुत लोगों की दुआएं भी। देखिए, एक ये संस्कृति है जो कहीं ना कहीं बदलती जा रही है, लोग मोबाइल में ज़्यादा चले गए हैं बच्चे भी, तो ये एक ऐसा संदेश है जो बच्चों ने लाइव देखा और उसको अपने आप में वो अपने इम्प्रोवाइज करेंगे, और वो बच्चों ने सामने देखा कि जब कठपुतलियाँ मास्क लगाकर अपना प्रदर्शन कर रही हैं तो हमें अपने जीवन में मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जब तक कोरोना महामारी अपने जो प्रकोप दिखा रही है उस वो जब तक शांत नहीं हो जाती, मास्क के अलावा हैंड सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना, उसके अलावा जो टीकाकरण है और अभी जो बूस्टर डोज आ गई है वो भी कंपलसरी है, तो उसका यूज़ बहुत कंपलसरी है, और उसे यही हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे गांवों में, देहाती इलाकों में जाकर जहाँ उनकी देहाती वाली वही लोकल लैंग्वेज के अंदर हम उन्हें समझा सके कि कैसे क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग अपने आप को टच्ड महसूस करते हैं कि हम अपने आप को रिलेट करते एकदम, और हमने जो थिएटर प्ले किया है, यहाँ पर प्ले किया, तो उस प्ले में ये है कि हमने भोपा भोपी का एक संवाद रखा ताकि वो लोगों को एकदम से टच करे, गाँवों की ही भाषा रखी है, पूरी कोशिश की है सब लोगों ने, कलाकारों ने, और ऊर्जा देवी कैंची राम का जो कैरेक्टर था वो भी अपना एक अलग चीज़ डाल रहा था, और ऊर्जा देवी ने जो इन कंपनीज का बताते हुए कंपनी ने क्या क्या काम किए, क्योंकि लोग जब यहाँ आते हैं तो उनकी कल्पना का बाड़मेर इस तरह का होता होगा कि सिर्फ रास्ते में जाएंगे तो कहीं सड़कें नहीं दिखेगी, टूटी फूटी रोड़े होगी और सिर्फ ऊंट गाड़ियाँ वो दिखेंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि मतलब सब चीज़ें बदल चुकी है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और हम थिएटर के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि गांव लोग सब गांव जो ढाणियाँ हैं वहाँ तक संदेश पहुँचा सकें। देखिए, सबसे पहले तो हम इससे कठपुतली हम लोग जो है उसकी प्रस्तुति देते हैं, उसमें यह है कि काफ़ी सारे गाँव और ढाणियों में इस तरह के प्रदर्शन हुए नहीं हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको भी नहीं पता है कि कठपुतली है क्या, तो उसके माध्यम से भी हम काफ़ी सारे संदेश दे रहे हैं, कोरोना से रिलेटेड भी कठपुतली संदेश दे रहा है। फिर 2.0 जो है वो ऊर्जा देवी की जबानी बताया जा रहा है कि कैन और वेदांता किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या बदलाव हैं जो बाड़मेर में आए हैं, कितनी योजनाएं हैं, अभी तक काफ़ी सारे गांव में लोगों को, मतलब बच्चे तो छोड़ो बड़ों को भी ये नहीं पता था कि कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। ढाणी ढाणी में जैसे मोबाइल हेल्थ वैन का फैसिलिटी है, पानी की फैसिलिटी जो दी जा रही है, जो रोज़गार मिल रहे हैं, तो इस तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, तो उसी की सूचना हम लोग
सभी लोगों को देते हैं ताकि एक अवेयरनेस हो लोगों के बीच में कि ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो डेवलपमेंट है, ये उनकी भलाई के लिए है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। तो पॉजिटिव चेंज लोग एक्सेप्ट करें उतना ही अच्छा है। पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? पब्लिक का रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा रहा। डेफिनेटली एक आधे लोग होते भी हैं ऐसे जो नेगेटिव होते हैं इन चीज़ों को लेके, पर हमारा यही काम है कि उनको पॉजिटिव कैसे करें, उनको कैसे समझाएं कि ये आपके भले के लिए है। जैसे भोपा भोपी का कार्यक्रम हम करते हैं, उसमें भोपी बड़ी मॉडर्न है और पॉजिटिव है, वहीं भोपा जी बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक ये जागृति पहुँचाई जाती है कि नहीं, आपको मॉडर्न बनना है, आगे बढ़ना है, उस जमाने में नहीं बैठे रहना है। एक तरफ जहां कंपनी साल दर साल अपने कार्यों के जरिए मरुधरा में सुनहरी सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां के लोगों, समाज और समुदाय के प्रति वचनबद्धता के लिए सामाजिक सरोकार के बढ़ते कदमों में लिख रही है बढ़ते बाड़मेर की नई कहानी।